हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे काम के बारे में जिसे आपको करना है, और ये करने के बाद आपका पार्टनर आपकी कदर करने पे मजबूर हो जाएगा। देखिए, दो सिचुएशन होती हैं। पहली सिचुएशन के सामने वाला इंसान आपकी कदर कर रहा है, क्या तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। दूसरा, अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो क्या उस सिचुएशन में कर सकते हैं? जी हाँ, ये वीडियो उसी सिचुएशन के लिए बना है, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसकी हम तो बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एकदम उसके लिए बेस्ट देते हैं अपना, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है, उसे फीलिंग्स की ज़रा से भी कदर नहीं है। तो फिर क्या करें? क्या हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भाग जाना? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हर सिचुएशन से आप भाग नहीं सकते। यानी जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपकी मैरिज हो गई है, तो क्या करोगे? इतना आसान तो नहीं है छोड़ के भाग जाना। तो वहाँ पर क्या करोगे? तो ऐसी कुछ सिचुएशंस, कुछ सर्कमटेंसेस होते हैं, उनके लिए ये वीडियो है, ये टिप्स है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आसान सा है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, जो काम आपसे करवाना चाह रहा हूँ मैं, वो है स्टिक टू इट। ये तीन वर्ड हैं, इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं, और कैसे ये बेनिफिशियल होता है वो समझेंगे, और रियल लाइफ में आप इसे रिलेट करना। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी, पहले तो ये तय करो कि आपको करना क्या है, ठीक है? आपने जब तय कर लिया कि आपको करना क्या है, तो फिर उस पर बने रहो, बार बार उसे चेंज मत करो, भागो नहीं, भटकाओ नहीं होना चाहिए, स्टिक टू इट, उसे पे एकदम जम जाओ, चिपक जाओ, ठीक है? सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और एक स्तर के बाद देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। आप इस बात को डिनाई करो, एक्सेप्ट करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ह्यूमन साइकोलॉजी ऑलवेज जो है थोड़ा सा अपोजिट अट्रैक्ट की थ्योरी की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मतलब समझ में आ गया कि तय करो कि आपको क्या करना है, फिर उस पर स्टिक टू इट रहो, एकदम चिपक से जाओ, ठीक है? अब जैसे मान लो कि रियल लाइफ में क्या होता है कि जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनकी कदर नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, वो गलती क्या करते हैं? जब उन्हें भाव नहीं मिलता, जब वो जैसा चाहते वैसा नहीं होता, तो वो टिप्स एंड ट्रिक का यूज़ करने लगते हैं, एकदम अंदर से बेचैन हो जाते हैं, एकदम पजेसिव हो जाते हैं, डिस्परेट हो जाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि उनकी हरकतों में उनकी जो उनका जो कोर है वो खो जाता है। जैसे कि आप जो अच्छी चीज़ें किसी के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो जब तक रिलेशनशिप में हो, साथ में हो, आप उसके लिए अपना बेस्ट दो। आप उससे सामने वाले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, थोड़ा सा उसे मिनिमाइज कर लो। जब आप ऐसा ही करते रहोगे, तो एक पॉइंट के बाद सामने वाले का दिमाग कंपैरिजन स्टार्ट करता है। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जिससे आप मैरिज करना चाहते हो, वो नहीं करना चाहता, आप सामने वाले के लिए बेस्ट दे रहे हो, वो नहीं दे रहा, तो फिर कल को अगर वो इंसान आपसे सेपरेट होता है, उसकी मैरिज हो जाती है, तो वहाँ पर जब प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसका दिमाग कंपैरिजन करेगा कि आप कितने अच्छे थे और करंट सिचुएशन में जो है वो कितना बेकार है। तो ये कंपैरिजन आपका दिमाग करता है, सामने वाले का दिमाग भी करता है, लेकिन उसे थोड़ा वक्त तो दो। लेकिन आप वही नहीं करते, आप स्टिक टू इट वाले सिचुएशन को छोड़कर आप भागने लगते हो। फिर होता यह है कि जब सामने वाले का दिमाग, उसको कंपैरिजन करने के लिए बहुत चीज़ें मिलने लगती हैं, तो उसको लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक है ना? जैसे आप किसी के लिए अच्छे हो, अच्छे बने रहते हो लंबे समय तक, तो उसको रियलाइज़ होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हो, आपने बीच बीच में कई बार ऐसी हरकतें की जो नहीं करना चाहिए, तो उसके दिमाग में जो कंपैरिजन होगा ना, वो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे ही वो आएगा, उसको लगेगा कि नहीं, वो जो कर रहा है वो ठीक तो है, आप इसे डिजर्व भी नहीं करते, आपकी मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी जो है कुछ ऐसी है जो आपने किया जो होना नहीं चाहिए था। तो फिर सामने वाले के माइंड में जो है आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, कदर नहीं आएगा, ठीक है? तो सिंपल आपको एक काम करना है कि आप निर्धारित करो हु आर यू, और उसके बाद स्टिक टू इट, दैट्स द पॉइंट, ओके? सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझसे कॉल पर डायरेक्टली बात करना चाहते हो, तो कॉल मी 4 ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लो, उस पर ये पूरा सर्च कर देना, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।